अब तक आपने कई तरीके की चटनी खाई होगी, लेकिन जिस चटनी की बात हम करने वाले हैं, यकीनन खाना तो दूर, आज तक आपने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं चींटियों की चटनी की। जी हाँ, हम सही बोल रहे हैं। देश में कुछ लोग चींटियों की चटनी को बड़े चटकारे लेकर खाते हैं और उनके लिए चींटियों की चटनी लजीज व्यंजन भी है। दरअसल धनबाद के रगनी भीड़ा में कोड़ा आदिवासी समुदाय के लोग चींटियों और उनके अंडों के बड़े चाव से चटनी बनाकर खाते हैं। उनका मानना है कि चींटियों में प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके कारण उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती। पेड़ पर चढ़ें और चींटी पाड़ें, उसको ले जाएंगे और चटनी बना खाएंगे। इसका नाम है बेमूत, पेड़ में रहता है। इसका जो अंडा होता है वही सब चटनी बनता है। चींटियां भी आप खा रहे थे, उसको भी खाने से क्या, किस तरह से ये? चींटी तो उतना खाने से वो खट्टा लगता है, लेकिन उसका अंडा से वो अच्छा लगता है। हम लोग खाते हैं तो हम लोग को उतना तबीयत खराब नहीं होता है, जोर बेजार ये सब जो नहीं होता है, बीमारी ज्यादा नहीं होता है। डॉक्टर पास हम लोग डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं होता, हम लोग तंदुरुस्त रहते हैं। नमक हो गया, मिर्चा हो गया, थोड़ा सा प्याज डाल दिए, आदि डाल दिए और पीस के उसको भोजन के साथ खाया जाता है। चटनी बनाने के बाद जैसे कि बहुत प्रकार का चटनी हुआ, टमाटर चटनी वो खट्टा लगता है, इसको खाने से हल्का खट्टा आता है, लेकिन खाने में मजा आता है। वहीं इस संबंध में विनोद बिहारी महतो कोयलाचल विद्यालय के जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर का कहना है कि पेड़ों पर ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वैसे एनिमल के अंडे में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चींटियों का प्रभाव दुष्प्रभाव इस पर, तो मेन क्या है कि जैसे कि मैंने अभी बताया भी आपको कि जो चींटियां हैं या उनके अंडे हैं, तो मेन दे आर कंटेनिंग प्रोटीन, उनके पास प्रोटीन है, रिच है। तो प्रोटीन रिच डाइट बस बेसिकली आप कह सकते हैं एनिमल प्रोटीन है। बट इसके अलावा उसमें भी जैसे उनके जो चींटियों में जो एंट्स में जो उनके अलावा जो अदर मेटाबोलाइट्स हैं, सो इट माइट बी दे अफेक्टिंग देयर इम्यूनिटी और मे बी इन्हांसिंग देयर इम्यूनिटी। बट द थिंग इज दैट कि अनटिल एंड अनलेस वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद देम और वी टुक दैट ग्रुप ऑफ द कंट्रोल एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अनटिल एंड अनलेस दैट वी आर नॉट एबल टू से वेदर इट इज हाउ मच इट्स इन्हांसिंग द इम्यूनिटी एंड इन पार्ट ऑफ इट। सो नॉर्मली अगर इम्यूनिटी हमें चेक करना है तो वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट, और विदाउट एक्सपेरिमेंटली चूंकि ये लॉन्ग टर्म्स चला आ रहा है और दे शोइंग दैट इम्यूनिटी, सो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी दे हैव, बट इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट कि हाउ वी कैन परफॉर्म एंड वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद द कंट्रोल एंड द टेस्ट ग्रुप एंड देन वी विल एबल टू से कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंड ईटिंग बिहेवियर। आपको बता दें कि ये आदिवासी समुदाय के लोग सालों से ये चटनी खा रहे हैं और इन चींटियों को बेमौत चींटियों के नाम से जानते हैं। धनबाद से न्यूज़ के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।